नमस्कार, एक दुखद मामला जो कि खोड़ ब्लॉक निकिया एरिया से आ रहे हैं, जहां पर कल दिन में ये लोग जो हमारे पीछे पर खड़े हैं परिवार के सदस्य हैं, कल लंच बनाते हैं जिसमें लस्सी बनाते हैं, चटनी बनाते हैं और उसके बाद जब खाते हैं उसके बाद एकदम से जो परिवार है लगभग चार लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसमें एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल है उसकी जान चली जाती है। आखिर क्या हुआ मामला, परिवार के सदस्य यहाँ मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सत्तरदेन। आपके आपकी बेटी है? आपके हाँ, मेरे भाई की बेटी है। भाई कितने लोग थे, क्या हुआ पूरी वो बात? चार बंदे थे। कल की बात है? हाँ, कल की बात है। क्या हुई पूरी बात बताओ। पूरी बात ये ऐसे हुई जनाब, वो माल के साथ थे, वहाँ से वापस आए, उन्होंने खाना बनाया, उसकी बीवी ने खाना बनाया, लस्सी वगैरह चटनी, तो वो बनाकर खाकर जब वो खाया उन्होंने, खा के एक आधे घंटे के बाद एक बंदा बेहोश हो गया, लड़की बेहोश हो गई जिसकी उम्र 14 साल। हाँ, उसके बाद लड़का बेहोश हो गया। अब वैसे लाइन लगी तो चार के चार ही बेहोश हो गए, फिर लाया उनको हॉस्पिटल में, यहाँ इधर लाया तो एडमिट किया, तो जो लड़की है वो यहाँ शालामार में उसकी डेथ हो गई। अभी वो तीन है इधर अभी हॉस्पिटल में। क्या बताया जो तीन अंदर है, क्या बताया जा रहा है? उनमें से कौन कौन है? ये गुलाबदीन और मनीरा बेगम जी, तो ये क्या तारक हुसैन, वो बहू उनका बच्चा है। हाँ, वो उनका बच्चा। उम्र है उस लड़के की? लड़के की उम्र 17 साल। तो क्या डॉक्टर ने शालामार में क्या बताया? बच्ची कल से आप आए हैं हॉस्पिटल? हाँ, कल से आए। क्या बताया जा रहा है उसकी डेथ की, क्या बताया किस वजह से? अभी कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं दी है हमें कोई। हाँ जी, ये क्या, ये आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अहमद। ये बड़ा ही अफसोस की बात है, इतनी बड़ी घटना किस कारण हुई होगी हमें भी समझ नहीं आ रहा। खुद अफसोस कर रहे हैं सर। हाँ, क्या हमें नहीं पता ये क्या हो गया? हाँ, घर की रोटी खाई? घर की रोटी खुद अपने हाथ से, लस्सी भी खुद बनाई, आप लोग बनाते हैं? आप बनाई रोटी भी खुद आप बनाई, मम्मी उनके बच्चों की माँ ने रोटी बना दी है। कोई ऐसी बात, कोई शरारती मामला नहीं, कोई बात। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कुछ हमें किसी पर डाउट नहीं है, कंप्लेन की कोई कंप्लेन हुई है? बच्ची जो 14 साल की उसकी जान चली गई, पुलिस खोड़ ला के शाम को आई थी, तो अभी भी आई है यहाँ। जी जी, पूरी जान जो हो रही है अभी तीनों का, क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं? टेरमेंट चल रही है अभी, हमें तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। नहीं, क्या हालत उनकी कैसी है? हालत थोड़ी ठीक है। कल से थोड़ा बेटर? हाँ, कल से थोड़ी ठीक है। कुछ बताया तो होगा डॉक्टर ने, क्या कोई जहरीली चीज अंदर, क्या हुआ? जहर है अंदर, सिंपल लाए हैं तो अभी क्लियर कोई पता नहीं लगा। टेस्ट जो लगे हैं, एक मजबूरी हमारी और है, हमारी बच्ची की कल से डेथ हुई है, तो आज बोलते थे 10 बजे उसका पोस्टमार्टम होगा, तो आप उसको दफन कफन कर सकते हैं। अभी हमें 4 बज रहे हैं, तो अभी हमें पोस्टमार्टम नहीं हुआ अभी। कहाँ हुआ सर? पुलिस इधर आई थी अभी, वो पता नहीं कहाँ निकली। आप उसका पोस्टमार्टम करते थे या कुछ? क्योंकि हमारी वो उसके भाई जो खराब हो रही है, हम भी हमारी गुजारिश है आप लोगों से कि हमें थोड़ा जल्दी फारिग होना चाहिए। हाँ, एक दुखद समाचार, उनके उनके जो मम्मी पापा भी लड़की के अंदर ही है, एक ही परिवार के चार सदस्य। खोड़ ब्लॉक है और एक गांव है, वहाँ पर ये लोग जो हैं आप जानते हैं ये नोमैड्स हैं, ये दिन को अपने मोबाइल मवेशी चराते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, उसके बाद घरों को लौटते हैं। जब ये घर को लौटे हैं, कल दिन की बात बता रहे हैं, लस्सी बनाई, चटनी बनाई है, रोटी बनाई है और उस पर जू ही खाई है उन्होंने रोटी, तो उसके बाद चारों के चारों परिवार के, जिसमें माता पिता, एक बेटी 14 साल की उनका बेटा है, और एकदम से अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश हो गया। और तुरंत जब उन्हें हॉस्पिटल अस्पताल लाया गया तो बच्ची की गवर्नमेंट यहाँ SNG हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई है। एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है उस माता पिता को, तीन लोग जो हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस समय उनका इलाज चल रहा है, जिनमें माँ बाप और उनका एक बेटा। हम यही प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से जल्द वो तीनों ठीक हो जाएं, और उस बच्ची की कहेंगे उसी उसकी आत्मा को शांति मिले, उसे ये ज़रूर कहेंगे उस परिवार को, खास करके ये कहेंगे कि अभी उनका इलाज चल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई जहरीली हो सकता है कि जब लस्सी बनाएगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, कोई जहरीली चीज़ चली। ये सारी चीज़ें जो है जांच का विषय रहेगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि पुलिस भी आई है, पुलिस किस तरह से मामले को देखती है, किस तरह से जांच करती है, क्या निकल कर आता है, ये आने वाला समय बताएगा। पर हाँ, ये ज़रूर कहेंगे एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। चार परिवार के सदस्य थे, कल रोटी खाते हो अनकॉन्शियस हो गए, एक बच्ची जिसकी उम्र 14 साल थी उसकी जान चली गई है, अब तीनों अंदर इलाज उनका इलाज चल रहा है। हम यही प्रार्थना करते हैं वो लोग भी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और साथ ही साथ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से ये निवेदन करते हैं, परिवार गरीब लोग हैं, ये नोमैड्स हैं, ये इनके जल्द से जल्द इनका पोस्टमार्टम हो, ताकि उस बच्ची की जो इनका पार्थिव शरीर इनके हवाले हो और उस बच्ची का अंतिम संस्कार करें। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी लोग देख रहे हैं जरूर हम जानती कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।